खबर विस्तार से। जगदलपुर 18 मई 2023, कलेक्टर विजय दयाराम ने बादल अकादमी का निरीक्षण किया। अपने व्यवहार के अनुकूल कुछ ही क्षणों में वहां पर मौजूद कलाकारों और कर्मचारियों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोकगीत और संस्कृति को न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो आप बेझिझक मुझ तक पहुंच सकते हैं और मेरी तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करने के साथ ही कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता होगी। बस्तर दशहरा जो पूरे देश में मशहूर है, उसमें भी आप लोग अपनी अहम भूमिका निभाई है ताकि बस्तर की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाया जा सके। जिसके बाद कलेक्टर ने लोकगीत का आनंद लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि स्टूडियो की अभी तक शुरुआत नहीं की गई है। उन्होंने जल्द से जल्द स्टूडियो को शुरू करवाने का आश्वासन दिया। वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी जाना पड़ता है, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए उचित व्यवस्था मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शनिवार का पूरा दिन उनके साथ बिताने और वहां के अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलने की बात कही, जिस पर कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी छा गई। कर्मचारियों ने बताया कि यहां पर ड्रामा और नाटक का प्रशिक्षण करना चाहते हैं, लेकिन यहां उसकी व्यवस्था नहीं है, जिस पर कलेक्टर ने जल्द इसकी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। उन्होंने यहां प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण भवन और आवासीय भवन, नृत्य मंडप, ओपन एयर थिएटर सहित विभिन्न समाजों के लिए बनाए गए कुटियों का अवलोकन किया और बस्तर में बसने वाली विभिन्न जनजातियों की समृद्ध संस्कृति और परंपरा, आदिवासियों की रीति नीति, बोली, गीत, संगीत, नृत्य आदि के संरक्षण के लिए स्थापित इस अकादमी द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। कलेक्टर विजय ने कहा कि विभिन्न जनजातियों की अपनी विशेष संस्कृति और सभ्यताएं हैं, जिन्हें समाजों के लिए आबंटित कुटियों में उभारना चाहिए। उन्होंने इसके साथ ही यहां संचालित समर क्लास में दिए जा रहे चित्रकला और लोक संगीत के प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने इसके साथ ही इस अवसर पर यहां के कर्मचारियों से परिचयात्मक भेंट भी किया। इस अवसर पर बादल अकादमी की प्रभारी पूर्णिमा सरोज ने इस दौरान बताया कि बस्तर में कोया, हलवा, भतरा, धुरवा, मुंडा आदि जनजातियां हैं, जिनकी परंपराएं, रीति नीति के अभिलेखीकरण का कार्य किया जा रहा है। यहां इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के सहयोग से लोक संगीत का 1 और 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गायन और वादन, सुगम संगीत के लिए गीतांजलि पाठ्यक्रम तथा चित्रकला का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां हल्बी बोली का शब्दकोश भी तैयार किया जा चुका है तथा गोंडी बोली का शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाली गीतों का संग्रह भी किया गया है। उन्होंने बताया कि यहां शास्त्रीय नृत्य और ड्रामा में भी युवाओं द्वारा रुचि ली जा रही है। कलेक्टर का बस्तरिया परंपरा अनुसार हुआ आत्मीय स्वागत। इस अवसर पर बादल अकादमी में उपस्थित समाज प्रमुखों और कलेक्टर विजय का बस्तरिया परंपरा के अनुसार आत्मीय स्वागत किया गया। उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण करते हुए यहां की जनजातीय परंपराओं के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर भतरा समाज के रतन कश्यप, मुंडा समाज के बाबूलाल बघेल, हलवा समाज के मानसराम राणा, भतरा समाज के श्री डीएस नेताम, मुरिया समाज के श्रभ सामूराम मौर्य, धुरवा समाज के श्री गंगाराम कश्यप उपस्थित सहित अकादमी के कर्मचारी उपस्थित थे। ये जी वो का सर इसका इलाज कर दिया, इलाज कर दिया, सीएम का जो उद्घाटन किया था। अच्छा, लोग तो इनके द्वारा यहाँ पे मोमेंटो या कुछ सजावटी चीजें अपने रॉड आयरन लोहे का, हाँ, बना है ना। तो कल से डॉक्टर हमारे यहाँ शुरुआत है। कितने लोग आ रहे हैं? उसको रखे रहेंगे। बाकी जो 5-6 समाज का ऐसा क्या विशिष्टता है जिसको हम लोग सामने रख सकते हैं? ऐसे मान लो कि कोई थोड़ा बहुत पेंटिंग वेंटिंग में ज़्यादा कोई रुचि रखता होगा, या फिर कोई गोदना में ज़्यादा रुचि रखता होगा, ऐसा कुछ खेती बाड़ी में कुछ रखता होगा, ऐसा कोई भी चीज़ जो है, या तो हम लोग पेंटिंग करा देंगे उसमें कि भाई ये जनजाति का ये वैशिष्टता है। जी जी, ठीक है, विशेषता है, विशेषता है। जी जी, मतलब इस जनजाति को हम इस काम से या फिर इस इनके जो संस्कृति से हम जाने जाते हैं। हेलो, नाम पता नहीं,
जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ है। ये जो है ये तीन टिप्पा को छोड़ के बनाया गया है। जैसे आप कैगा जब जाते हैं देखेंगे तो महिलाएं उनको चूल्हा बना बीच में जो रखते हैं उनको चूल्हा बोलते हैं, ताकि जब वो विवाह में उनका विवाह होने वाला होता है इसलिए हो गए समझदार चूल्हा बनाया जाता है।